बॉलीवुड का वो हीरो हीरोइंस के हाथ पे थूक दिया करता था। लोगों से कहता था कि जिस हीरोइन के हाथ पर थूकता हूँ उसकी किस्मत चमक जाती है, और ऐसा कह के वो फिल्म के सेट पर जाता था, कहता था अपना हाथ दिखाओ मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। जैसे ही हीरोइन हाथ सामने करती वो उस पर थूक दिया करता था। एक हीरोइन तो उसके पीछे हॉकी स्टिक लेके दौड़ पड़ी थी और दूसरी ने उससे सालों बात नहीं की। आमिर खान अपनी इस हरकत की वजह से हुए थे बहुत बदनाम। जूही चावला और माधुरी जैसी अभिनेत्रियां उनसे हो गई थी नाराज। दरअसल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सेट पर प्रैंक करने के लिए रहे हैं मशहूर। काम के बीच में क्रू मेंबर्स के साथ वो अक्सर मस्ती करते रहे हैं, लेकिन 90 के दशक में उनकी एक ऐसी आदत थी जिसकी वजह से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस उनसे घिन करती थी। वो अपनी फिल्म की हीरोइनों के हाथों पर थूक दिया करते थे और फिर ये शेखी झाड़ते थे कि जिसके हाथ पर भी वो थूकते हैं वो बन जाती है नामचीन एक्ट्रेस। आमिर की इन हरकतों की पोल एक फिल्म में कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने खोली थी। उन्होंने बताया था कि आमिर के कई प्रैंक्स में से एक अपनी हीरोइन के हाथ पर थूक देना रहा है। फराह ने तब कहा था, आमिर अपनी फिल्म के सेट पर हीरोइन से कहते थे कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, और एक्ट्रेस तुरंत अपना हाथ आगे कर देती थी और आमिर उनके हाथ पर थूक देते थे। इस पर आमिर हंसते हुए कहते थे, मैंने जिस हीरोइन के हाथ पर थूका है वो नंबर वन बन गई है। बात साल 1990 की है, जब दिल के सेट पर खम्बे जैसी खड़ी है गाने की शूटिंग चल रही थी। आमिर ने माधुरी को बताया कि वो हाथ देखने में बड़े माहिर है। ये सुनते ही माधुरी बड़ी उत्साहित हो गई और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और भविष्य के बारे में पूछने लगी। इस पर आमिर ने पहले तो उनके हाथ की ओर देखा और फिर थूक दिया। आमिर की इस हरकत पर माधुरी को इतना गुस्सा आया कि वो हॉकी लेकर आमिर के पीछे दौड़ पड़ी थी। आमिर की इस हरकत से माधुरी कई दिनों तक उनसे नाराज रही थी। इसी तरफ फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला से दुश्मनी मोल ली थी। इस फिल्म के सेट पर आमिर और अजय एक साथ मिलकर क्रू मेंबर्स के साथ खूब प्रैंक किया करते थे। एक दिन आमिर ने क्रू के सामने जूही से कहा कि वो हाथ देखना जानते हैं। जूही ने अपना हाथ दिया। एक्ट्रेस के ऐसा करते ही आमिर उनके हाथ पर थूक कर भाग गए। क्रू के सामने जब जूही के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें इस बात का बेहद बुरा लगा। जूही चावला आमिर खान से इतनी नाराज हुई कि वो अगले दिन शूट पर भी नहीं आई थी। जूही के साथ हुए इस मजाक के बाद जूही ने धमकी देते हुए बोल दिया कि वो कल से शूटिंग पर नहीं आएंगी। अगले दिन जब जूही शूटिंग पर नहीं पहुंची तो फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने बात संभाली। वो आमिर और अजय को जूही के घर ले गए, जहां दोनों ने जूही से माफी भी मांगी। हालांकि इसके बाद भी आमिर और जूही में अनबन रही। सालों तक दोनों ने फिर किसी फिल्म में काम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।